हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति शर्मा स्टूडियो। मेरा नाम है प्रीति शर्मा। मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करती हूँ फैशन रिलेटेड हॉल वीडियोस। बट आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ना डिफरेंट होने वाला है। सो आप ये जो लुक देख रहे हो, ये सारा लुक मैंने क्रिएट किया है मीशो से। कुछ मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए थे, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करके ये मेकअप जो है वो किया है आज। और आई थिंक जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए, मैंने सारे रिव्यूज़ चेक करके, रेटिंग चेक करके मंगाए हैं। तो आज का जो कुछ हॉल होने वाला है कुछ ऐसे ही होने वाला है। मैंने कुछ अपने बेटे के लिए भी कुछ चीज़ें मीशो से ऑर्डर की हैं, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं और एक्सेसरीज हैं जिन्हें आप मंगा सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और मुझे बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है। सो इसीलिए मैं मंगाती रहती हूँ मीशो से या अलग किसी वेबसाइट से, बट इस बार मैंने सारी चीज़ें मीशो से मंगाई हैं कि ट्राई किया जाए कि कैसे प्रोडक्ट्स मीशो पर अवेलेबल हैं। क्लोथिंग तो मैं आपके साथ में रेगुलर शेयर करती ही रहती हूँ। गाइज, अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, या इस तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर आप बताना। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। सबसे पहले मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो मैं बेबी प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल इसको छोड़ नहीं रहा है। सो ये पिंक पेपा पिक वाला स्पून सेट मैंने मंगाया, जिसमें दो स्पून आई हैं और दो फॉक आई हैं, और दोनों ही डिफरेंट साइज में, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब से मेरे बेटे ने ये देखा है ना, तो वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा। अभी भी मैंने ये इकट्ठा किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ना बार बार ढूंढ ढूंढ के मैंने फॉक और स्पून ढूंढ के मैंने निकाला है। तो ये पूरा कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, और इसमें आपको मिलता है इस तरह से सेट आएगा पूरा। तो ये सेट मिलता है जिसमें छोटा फॉक है, बड़ा फॉक है, छोटा स्पून है, बड़ा स्पून है। सो सबसे पहले इसकी ना क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और डेफिनेटली आपके बच्चे को ना बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मेरा बच्चा देखो अभी 19 महीने का है, ठीक है। और वो इससे, मैं उसको जबकि मैं फॉक से या स्पून से खाना अच्छे से सिखा रही हूँ, लेकिन जब से उसने देखा है वो कोशिश करते कि वो यही स्पून और यही फॉक अपने फ्रूट्स में, सब्जियों में यूज़ करे। सो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्वालिटी देखो, क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी आई है। और सबसे क्यूट पार्ट ये मुझे पेपा पिग वाला लगा है इसके अंदर, और स्टर्डी है बिल्कुल, ऐसा नहीं है स्टील जो इन्होंने यूज़ किया, वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिक क्वालिटी, स्ट्रांग क्वालिटी आई है। फॉक की भी आप देखो, ये बड़ा स्पून है, ये छोटा स्पून है, तो छोटे स्पून में इस तरह का कुछ डिज़ाइन है, कलरफुल है, बहुत अच्छा ये बच्चों के लिए ऑप्शन मुझे लगा। आप मंगाना चाहते हो ना तो बिल्कुल मंगा सकते हो। सो ये वाला, ये छोटा फॉक है, अभी मेरी गोदी में लेटा हुआ है, और यहाँ पर ये उसी ने फॉक लिया था। तो ये पूरा सेट है जो कि बहुत क्यूट है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है। जिस प्राइस में मैंने ये परचेज किया ना, वो मैं आपको दिखा दूँगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें वीडियो में लगाए लिए हैं ना, ऐड किए, वो 200-250 इससे अबव में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 300 में होंगे, उससे ज़्यादा में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो ये भी कुछ 150 या इतने में ही आया है, आप देख लेना, 197 आई थिंक इतने में आया है। सो आप देख लेना, इसका कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्यूटी ब्लेंडर का सेट, जो कि है स्वीट ब्यूटी मेकअप स्पॉन्जेस। तो ये पूरा सेट जो है ना, मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। मैं इस तरह के जार में आता है, ये इसका लिड है, ये ना प्लास्टिक है, तो ये ग्लास में नहीं है, प्लास्टिक आया है। अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, और ये ऊपर वाला जो स्पॉन्ज ना, ये मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हो, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। आपको ना मैं क्लिप साथ में लगा रही हूँ, जब मैं मेकअप कर रही थी ना आज, तो वीडियो बनाने से पहले यही मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो मैंने अपना जो है फाउंडेशन यूज़ किया, और उसमें ये वाला स्पॉन्ज यूज़ किया। इसकी क्वालिटी आप खुद देखो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट है। और ये है, इसमें इतने सारे आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइंस के मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, आप लेने की अगर कोई भी सस्ता अच्छा क्वालिटी में ढूंढ रहे हो ना, तो ये वाला आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और मेरे पास में, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ, तो बार बार वॉश करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने पूरा सेट मंगाया। इवन और भी बहुत सारे ऑप्शंस मीशो के ऊपर अवेलेबल है, बट आई वाज बिट कंफ्यूज कि कौन सा मंगाया जाए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। और ना सबसे अच्छी बात मुझे इसके जार की लगी कि आपने यूज़ किया, इसके अंदर रख दिया, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जर्म्स जो है ना, वो बिल्कुल इसके अंदर कैच नहीं करेगा, तो बिल्कुल सेफ रहेंगे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, और अच्छे भी लग रहे हैं इस जार के अंदर रखे हुए। एक जगह मेरा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेफ है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो ये है, ये जो है मेकअप ब्रश का सेट है, जो कि इस तरह की पैकिंग में आया है। ये भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेरी रिसीव हुई है। ये जो है ना, इसका बास्केट जो आया है, छोटा सा बॉक्स, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, कलर देखो कितना ज़्यादा क्यूट है, और इसके अंदर कुछ ये सारे ब्रशेज आपको मिल रहे हैं, और ये देखो
क्वालिटी ब्रशेस की मैं ये नहीं बोलूंगी ये बहुत ही ज्यादा अच्छे है कि आप यूज कर सकते हो रेगुलर में, अच्छा है. और ये ब्रिसल्स हैं इस तरह के लिए, लाइट ब्रिसल्स इन्होंने यूज किया है और क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं. अगर मैं इसको देखो थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको दिखाऊं ना, वैसे तो ये नहीं निकल रहा है लेकिन निकल जाएगा. इस तरह से खींचना तो हमें ब्रशेस को नहीं पड़ता, बट जब आप इसको यूज करोगे ना मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने इसके लिए ना आई शेडो ब्रश जो है वो यूज करके मैंने अपना आई शेडो आज इसके अंदर लगाया है और आई शेडो ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी है. लेकिन जो बाकी के जैसे हाईलाइटर ब्रश है, हाईलाइटर ब्रश आप देखो तो हाईलाइटर ब्रश जो है उसके ब्रिसल्स बहुत ही कम है, ऐसा लग रहा है मुझे कम है. क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से दबा कर भी यूज करते हैं तो कोई ग्रिप इसकी नहीं बन रही है. एनीवेज बाकी के जितने भी ब्रशेस आए हैं ना जिनके ब्रिसल्स ज्यादा है वो बहुत अच्छी है, जैसे आईब्रो ब्रश है सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, आई शेडो ब्रश की बहुत अच्छी आई है, आईलाइनर ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. सो ये सारे ब्रशेस आपको कुछ मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पीसेस का, 11-12 पीसेस का ये सेट है पूरा, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. आप इसको बिल्कुल ले सकते हो, मेरे कहने का बहुत ही अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है. जो लोग ब्रशेस के लिए बिगनर्स हैं और ब्रश यूज नहीं करना चाहते, अगर लेना चाहते हो ना तो बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए. और इवन ये ना ट्रैवल फ्रेंडली भी, आप कहीं पर भी अपना इसके अंदर किट में डालो और लेकर जा सकते हो. इसके अंदर आप अपना एक ब्यूटी ब्लेंडर भी फिक्स कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस प्राइस में मैंने लिया है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी. अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूं, बहुत छोटू सा प्रोडक्ट है ये, इस तरह की पैकेजिंग में, और इन्होंने ना इस तरह से बबल रैप में भेजा है. अब आप सोचोगे कि ये है क्या, मैं दिखाती हूँ ओपन करने में, मुझे इसको बहुत टाइम लगा था. बहुत अच्छे से इन्होंने पैकेजिंग करके भेजा. ये है आई शेडो ग्लिटर है, ये ग्लिटर एज अ लाइनर आप यूज कर सकते हो. मैंने इसको एज अ आई शेडो ग्लिटर यूज किया. आप देखो इसकी इतनी प्यारी लुक आई है. आप देखो इसके ना और भी कलर्स अवेलेबल हैं. सो मैं डेफिनेटली एक मैंने अभी मंगाया सिर्फ ट्राई करने के लिए. सो आप जो है और भी ऑप्शंस उसमें अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो, मैं भी मंगाऊंगी. मैंने इसको सबसे पहले ना अपने हाथ पे यूज करके देखा था, मैं आपको भी यूज करके दिखाती हूँ. ये हिलरी रोडा का है, और भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, बट सबसे सारी वेबसाइट से ना सब चीजें मैंने चेक करने के बाद में मीशो से मंगाई है, जो सबसे सस्ता मीशो पर अवेलेबल है. तो ये है, आप इसकी देखो, ये बहुत बहुत अच्छी इसकी लुक आती है. एक ही स्ट्रोक में बहुत अच्छा लुक आपको देता है. तो एज अ लाइनर, एज अ शेडो आप यूज कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ना फैलता नहीं है, जहां पर आपने इसको स्टिक करके स्मच कर दी ना वो वहीं पर रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा. बहुत सारे आईज लुक आप इसके साथ में क्रिएट कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता है, कुछ 150-120 ऐसे में है, आप देख लेना जिसमें भी अवेलेबल हो. तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाला है. वो है एक लिप शेड, ये वाला स्विस ब्यूटी का मैंने किट मंगाया है, और ऑल अबाउट लिप्स. इसमें भी और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, आई थिंक 3 अलग कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आता है, पैकिंग ये भी बबल रैप में आया था, बहुत सेफली इन्होंने भेजा था. सो इसमें कुछ हमें इस तरह के 10 शेड्स मिलते हैं जो कि क्रीमी है. और ये जो आप लिप शेड देख रहे हो ना, ये भी मैंने अप्लाई किया है. इसमें से इस तरह का कुछ किट आता है, ये आपको ऐसे ओपन करके आप यूज कर सकते हो. सो आप देख रहे होगे कि ये वाला जो है कलर, ये मैंने यूज किया अपने लिप्स पर और इतना ज्यादा क्रीमी, इतना ज्यादा मैट है. मुझे मेकअप किए हुए कुछ 3-4-5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक इसका जो टिंट है ना, आप देखो बहुत अच्छा. मैंने बहुत लाइट सा कलर यूज किया है बट अच्छा लग रहा है, लेकिन आप साइड से देखोगे ना तो इस तरह का यहाँ पर कुछ ये स्मज सा हो रहा है. बाकी एनीवेज बहुत अच्छा है. इस कलर शेड्स देखो बहुत ही प्यारे हैं, न्यूट्रल शेड्स हैं. आप इसको कहीं पर भी कैरी करके ले सकते हो और बहुत सारे 10 शेड्स आपके पास में अवेलेबल रहेंगे. जिसको डार्क पसंद है डार्क यूज कर सकते हो. तो हल्का सा क्रीमी मैट है, लगते ही ना बहुत सॉफ्टली सबसे पहले तो ये अप्लाई हो जाता है आपके लिप्स पर और इतना ज्यादा सॉफ्ट और खूबसूरत लगता है. आप एज अ ब्लश इसको यूज कर सकते हो. सो यही कलर में मैंने ब्लश भी यूज किया है और यही मैंने लिप्स पर अप्लाई किया है. और इसका शेड बहुत खूबसूरत है, बल्कि मैंने बहुत बहुत हल्का सा यूज किया है आप देखो, और इसके कलर शेड्स बहुत खूबसूरत है. बाकी पूरा किट जो आया ना वो बहुत अच्छा है. ये जो शेड मैंने मंगाया है 01 शेड है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये 01 शेड मैंने स्विस ब्यूटी का मंगाया है. मैं और भी शेड्स मंगाऊंगी इसके अंदर. एक्चुअली क्या है कि जो मैंने मीशो से सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो इतने ज्यादा मुझे पसंद आए हैं, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि मीशो से और चीजें मंगाऊं, होम डेकोर की, ब्यूटी की, मेकअप की, और सारी चीजें आपको आपके साथ में शेयर करूँ. सो मैं और भी चीजें अभी ऑनलाइन मैंने मंगाई हुई हैं मीशो की एप्लीकेशन से, जैसी वो आ जाएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो मैं यूट्यूब में हर किसी को देख रही थी, वहाँ वीडियो बना रहे थे. तो ये कुछ इस तरह की बबल रैप की पैकिंग में आए हैं और ये है, ये मेकअप स्पॉन्जेस है, मेकअप रिमूवर स्पॉन्जेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका सेट आया है अलग अलग इस तरह के, दो ये शेड्स आए हैं और दो बिल्कुल व्हाइट शेड्स आए हैं, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. ये है
पावरा ब्रांड से, मैं इसका जो है कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये चार आए हैं, चारों तो मैं यूज नहीं करूंगी तो फैमिली में मैं किसी ना किसी को दे दूंगी। इस तरह की पैकेजिंग में आया है और ये है बहुत सॉफ्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, आप देखो खुद अच्छा है। सो मैंने अभी इसको यूज नहीं किया, यूज करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप इसको ना डेफिनेटली मंगा सकते हो बिना सेकंड थॉट के। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एक तो ये वाला शेड आया है, दूसरा शेड भी मैं आपको ना ओपन करके दिखा देती हूँ, कुछ पिंक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आया है। ये है सेकेंड वाला, हाउ क्यूट इज दैट। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, इस तरह के एक शेड में आया है। दोनों में से मतलब और भी कलर ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल से, तो मैंने रैंडमली कोई भी पिक किया और आपके साथ में मुझे ये रिसीव हुआ, सो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप इसको डेफिनेटली मंगा सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में आया है। बाकी जो क्वालिटी है स्टिचिंग वगैरह वो भी बहुत ही अच्छी आई, बिल्कुल इसको मंगा सकते हैं। इसका कोड भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो है ये मेकअप बॉक्स, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा है। सो इसके अंदर एक और शेड अवेलेबल है ब्लू पिंक का, और ये जो है पूरा पिंक था तो मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी का मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ना वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले तो ये इस तरह का ये पिंक कलर में आया है, और जिपर इस तरह की, सिर्फ मुझे जो थोड़ा सा इशू लगा ना वो इसकी जिप लगी, और ये जिप का हैंडल लगा जो कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मुड़ जाए, तो आप इसको ना आराम से यूज करना, और स्मूथ नहीं है जिप जो है इसकी। सो ये है इस तरह का पहला वाला कंपार्टमेंट दिया। देखो अगर मैं इसको हार्डली करूंगी ना तो इस तरह से टाइट और स्टिफ हो जाता है बीच में। तो एक ये पॉकेट दिया है, मेन कंपार्टमेंट जो है वो ये कंपार्टमेंट है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस है। सिर्फ ये इशू होता है कि अगर आप जिप देखो खोल रहे हो ना तो वो थोड़ा सा ऐसे होगा, आपको ना बड़े आराम आराम से इस तरह से जिप को ओपन करना पड़ेगा। सो ये हमारा मेकअप बॉक्स ओपन हो गया है, जिसके अंदर ये वाला जिपर आपको मिल जाएगा, ये नेट वाला इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी अंदर भी साइड में नेट वाले कंपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। एक ये कंपार्टमेंट दिया हुआ, आगे ये वाले छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए, सो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है ये है पूरा। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये साइड में बाहर जो है इस तरह के दोनों साइड पर आपको दो कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। सो ये हैंडल है, आप इसको आराम से मतलब सारा का सामान, आप खुद देखो कितना सारा सामान इसके अंदर आपका आ जाएगा, बहुत आराम से ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप मेकअप का सामान नहीं रखना चाहते हैं, कुछ खाने वगैरह का सामान रखना चाहते हैं, कोई भी चीज अपनी स्टोर करके रखना चाहते हो, बहुत आराम से रख सकते हो, बहुत ज्यादा स्टर्डी है। स्टिचिंग वगैरह क्वालिटी आप सब देखो, आपको क्लियर हो रहा होगा कितनी अच्छी आई है। सिर्फ जिपर का थोड़ा सा इशू है, बट स्मूथली अगर आप यूज करोगे तो अच्छे से रहेगी। तो इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो मैंने जबकि मैं ये सब चीजें यूज नहीं करती, ये हेयर एक्सेसरीज है जो कि इस तरह के बॉक्स में आया है, और ये हमने ओपन किया बॉक्स, जिसके अंदर हमें मिलेगा ये वाला रोज वाला ऐसा क्लिप है जो कि जूड़ा क्लिप है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है। ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो करवा चौथ आ रहा है, मैंने सोचा कि चलो बन कुछ ट्राई करेंगे, इसके लिए मैंने ये मंगाया है। सो इसके अंदर बहुत बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल है, रेड है, पिंक है, येलो है, और भी बहुत सारे कलर्स है, पर्पल है, मुझे ये रेड अच्छा लग रहा था, आप इसको आराम से मंगा सकते। सो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा अपना एक जूड़ा बनाना है, और यहाँ साइड में आप इसको इस तरह से लगा सकते हो। और क्वालिटी जो है ना इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, आप देख सकते हो क्वालिटी, मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ ये क्वालिटी आई है। सो ये रोजेस रियल रोजेस लग रहे हैं, जिसमें हल्का सा यहाँ बैक साइड से ये इस तरह की लीव्स वाला भी दिया हुआ है, और ये है जो आपके बन में आराम से चिपक जाएगा, मतलब इस तरह से अटक जाएगा। सो आप देखो मैंने बाल ओपन किए हैं, तब भी अगर मैं हल्का सा ऐसे कर रही हूँ तो ये मेरे बालों से कहीं भी जाने वाला नहीं है, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बन में यूज कर सकते हो, आप बाल अपने इस तरह से टाई करो, पीछे भी आप ऐसे लगा सकते हो, तो बहुत ज्यादा लुक अच्छा देगा। सो मुझे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी। इसका लिंक भी आपको कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं और भी इसके अंदर ऑप्शन मंगाने वाली हूँ। अब जो है कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक लास्ट प्रोडक्ट हमारा बचा है जो मुझे अभी रिसीव हो चुका है, वो है ये स्टीमर जो कि मसाजर है। मसाजर क्या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा भी होगा, बट ये ना अमेजोन से मैं मंगाने वाली थी, अमेजोन पर बहुत सस्ता मिला तो मैंने मीशो से मंगाया है। ये है जैसे आप अपने हेयर स्पा वगैरह करते हो या ऑयलिंग करते हो, तो इस तरह से आप अपने सर में ना स्टीम दे सकते हो। तो ये इस तरह से पिंक कलर की पैकेजिंग में आया है, ये वायर दिया है जिसको आप प्लग कर सकते हो और ये काम करना शुरू करेगा। सो इस तरह से आपको इसे अपने हेड पर वियर करना है,
ठीक है, इस तरह से वियर करना है इसको और यहाँ पर आपको आराम से स्टीमिंग ये देगा, बहुत अच्छे से स्टीमिंग आपके बालों में करता है। जबकि मैंने सिर्फ इसका अभी मैंने यूज नहीं किया, यूज कर लो, यूज करके मैं आपको बताऊंगी। मैं सोच रही मैं अपने हस्बैंड के बालों में अभी यूज करूँ बट मुझे टाइम नहीं मिला इसका। सो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जिपर बहुत अच्छा है। और ये जिपर क्यों दिया हुआ है, आप इसको ना आराम से जैसे आपने ऑयल वगैरह यूज किया, मैं स्पा वगैरह तो नहीं करती बट मैं ऑयलिंग जो है हर सेकेंड या थर्ड डे अपने बालों में करती हूँ। सो बालों में ऑयलिंग करने के बाद में आप इसको प्लग इन करके सिर्फ अपने सर पे इस तरह से वियर करो और स्टीम आपके बालों को इतनी अच्छी मिल जाती है ना 5 मिनट में। अगर आप नहीं प्लग करके यूज करना चाहते हो तो इसको आप प्री हीट कर लो, प्री हीट करने के बाद में प्लग आउट कर लो, ये ऑलरेडी गर्म होगा और आप इस तरह से सर पे लगाओगे तो बहुत अच्छी स्टीमिंग आपके बालों में हो सकती है। और ना बिल्कुल भी परेशानी, तो कई बार ये हॉट ऑयल वगैरह मुझे इतना ज्यादा मैसी लगता है, नहीं कर पाती उसकी वजह से मैं स्किप कर देती हूँ, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। अगर ये काम करेगा मैं तो मैं होम मेड हेयर स्पा भी डेफिनेटली यूज करूंगी। सो ये जिपर की मैं बता रही हूँ, ये जिपर क्यों दिया है, इसको ना आप जैसे आपने यूज कर लिया ऑयल वगैरह इसके पॉली में लग जाएगा तो आप इस जिपर को निकाल के ना अच्छे से रिमूव करके वॉश करके दोबारा से यूज कर सकते हो। सी ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को इस तरह से दिया गया है, आप एडजस्ट इसका टेम्परेचर कर सकते हो। सो मैं यूज करने के बाद में आपको बताऊंगी। बाकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है घर में यूज करने के लिए। देखो हेयर केयर हमारी डेफिनेटली नहीं हो पाती है लेकिन ऑयलिंग हर कोई कर लेता है, वीक में करता हूँ, मंथ में करता हूँ, तो उसके साथ में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सर में देने, बालों में देने के लिए ना सबसे अच्छा है कि वो हमारे बालों में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। तो ऑयल अगर कोई भी ऑयल हम लगा रहे हैं, बेसिकली मैं मस्टर्ड ऑयल ही अपने बालों में लगाती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद में इसको अगर थोड़ा सा भी स्टीमिंग मिले तो अच्छे से बालों में ऑयल जो है इन्फ्यूज हो जाएगा और नेचुरली बाल इतने ज्यादा स्मूथ हेल्दी हो जाते हैं ना करने के बाद में, क्योंकि मैं हॉट टॉवल से करती हूँ, तो इसलिए अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा स्टीमिंग का। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइज आई थिंक मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अभी खत्म हो चुके हैं, मैंने सभी चीजों का रिव्यू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये वीडियो बनाने के बाद में। आपको भी अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, कोई चीज आप ऐसी है जो मीशो से ट्राई करना आते हो, सो आप मुझे कोड दे देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वो आपके लिए ट्राई करके जरूर बताऊंगी। ऑनेस्ट रिव्यूज मैंने आप लोगों को सारी ही चीजों के दिए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैं भी अपने फेस पर ना इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जनरली यूज नहीं करती हूँ बट मैंने रिव्यूज करने के बाद में आप लोगों के साथ में शेयर किया है अपना फीडबैक और डेफिनेटली ऑनेस्ट रिव्यू। और आप मंगाओगे जिस कोड से मैंने आपको दिया है वो कोड आप उससे मंगाओगे तो बिल्कुल भी आप रिग्रेट नहीं करोगे। अगर मेरी इस वीडियो में से देखने के बाद में कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताना, मुझे लिपस्टिक इतना अच्छा लग रहा है और ग्लिटर अपनी आंखों का बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने अभी जो हील्स वगैरह मंगा रखी है, कुछ होम डेकोर का चीजें भी मंगाई है, बेडशीट मंगाई है और जहां तक मुझे याद है कुछ मेकअप की भी चीजें मंगाई है, एक्सेसरीज मंगाई है, इयररिंग्स वगैरह मंगाए हैं। तो आप ना मेरे चैनल पर बने रहिएगा जो ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। हम आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जो लोग मीशो के बारे में नहीं जानते हैं, मीशो इंडिया की एक नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है जिसमें आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, साथ ही साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हो। कोई चीज आपको पूछनी हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर मीशो का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करो गाइज, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। वीडियो का डाउनलोड लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप परचेजिंग कर लेना, कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो मैं हर बार आपको बोलती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।